मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। एक मर्तबा लाहौर का एक नौजवान मेरे पास आया, अब उसकी शादी एक दो महीने पहले हुई थी और शादी के चंद ही दिनों बाद ये सिलसिले में दाखिल हो गया, बैत हो गया। अब इसने चेहरे पे दाढ़ी भी सजा ली, नमाजें भी पढ़नी शुरू कर दी, तो नेकी पे आ गया। अल्लाह की शान के एक दिन मेरे पास आया, गुस्से में था। मैंने पूछा खैरियत है? अल्लाह की शान के एक दिन मेरे पास आया, गुस्से में था। मैंने पूछा खैरियत है? कहने लगा बस हजरत क्या बताऊं, ये जो मेरी बीवी है ना, इसने बस मुझे बहुत सताया हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा कि कहता हूं तो नमाज नहीं पढ़ती, सर पे दुपट्टे का ख्याल नहीं रखती और बिल्कुल इसको तो दीन का कोई एहसास ही नहीं है। ये तो इसने तो मेरा जो है ना जीना हराम कर दिया। खैर, खूब उसने गुस्से में चंद बातें कही। तो जब उसने गुस्से में बातें कर ली तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब शादी हुई थी उस वक्त आप दीनदार इसी तरह थे जैसे आज हैं या आप भी उसी तरह के थे? कहते नहीं जी, उस वक्त तो मैं भी नमाजें नहीं पढ़ता था। असल में शुरू में दोनों एक ही जैसे थे और आपस में पसंद की शादी थी ये। तो मैंने कहा कि भाई आप भी उसी जैसे थे और आप भी नमाजें नहीं पढ़ते थे तो आपने ऐसी ही बीवी पसंद की, तो बीवी तो वही है ना, कोई बदली तो नहीं है। मगर फर्क ये पड़ा कि आपने इस मजलिस में आना शुरू किया और आपने दीन की बातें सुनी तो आपने दीन को कबूल कर लिया और अब आपकी जिंदगी नेकी दीनी वाली बन गई है। कहने लगे हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने कहा ये बताए कि आपने बीवी आपकी बीवी ने कितनी नसीहतों की महफिल अटेंड की है? कहने लगे वो तो नहीं आती। मैंने कहा कोई और दीनी महफिल अटेंड की हो जहां उसको दीन की तरफ किसी ने तरगीब दी हो, बुलाया हो? कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर वो कैसे दुपट्टा करेगी सर के ऊपर और कैसे वो पर्दे का ख्याल करेगी, नमाजें पढ़ेगी? उसको तो समझाने वाला कोई है ही नहीं। आपको तो समझाने वाले मिल गए, उसको तो नहीं ना मिले। तो अब उसको फील हुआ कि भाई हजरत जी मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना इस बात पे ले आएंगे कि अच्छा उसको महफिलों में लाया करो, तो ये तो काम लंबा हो जाएगा ना। और वो तो जल्दी हल चाहता था कि हजरत जी मुझे कहें वो नमाज नहीं पढ़ती, तुम जाओ जरा उसको सीधा करो। खैर, जब मैंने देखा कि भाई ये खामोश तो हो गया है लेकिन इसके दिल से अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ, तो फिर मैंने उससे बात की। मैंने कहा देखें आप हर हर सुन्नत पे अब अमल करने लग गए हैं ना। कहने लगा जी मेरी कोशिश होती है हर बड़ी और हर छोटी सुन्नत के ऊपर अमल करूं, मेरी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो जाए और आप भी यही तलकीन करते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आज आपको एक सुन्नत बताता हूं, आप उसके ऊपर अमल करें। कहने लगा जी। मैंने कहा आप वापस जाते हुए किसी दुकान से मिठाई का डब्बा साथ ले जाएं और जब घर जाएं तो दस्तरखान पे जब डब्बा रखा जाए तो उसमें से मिठाई का एक पीस उठा के अपनी बीवी के मुंह में डालना। जब मैंने कहा तो मुझसे पूछा जी। मैंने कहा भाई मैं फारसी नहीं बोल रहा, मैं आपकी जुबान में ही आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं कि आप एक मिठाई का डब्बा लेके जाएं और बीवी को हदिया दें और जब दस्तरखान पे वो डब्बा रखा जाए तो उसमें से एक पीस उठा के तो अपनी बीवी को मिठाई खिलाएं। जब मैंने क्लियर लफ्जों में फिर कहा फिर उसको बात समझ में आई। कहने लगा जी बहुत अच्छा। खैर, वो बंदा चला गया। अल्लाह की शान के चंद दिनों के बाद वो आया और उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा हजरत खुशी के आंसू हैं। मैंने पूछा किस खुशी के? कहने लगा कि मैं जाते हुए मिठाई का डब्बा लेके गया और घर वालों ने पूछा, बीवी ने कहा ये क्या लाए, तो मैंने कहा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूं। तो बड़ी हैरान हुई, अच्छा आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं? मैंने कहा हां। थोड़ी देर के बाद फिर खाने का वक्त आया तो खाने के दस्तरखान पर खाना लग गया और वो मिठाई का डब्बा भी वहीं था। कहने लगे मैंने आपकी जो है वो नसीहत के मुताबिक मिठाई का एक पीस उठाया और एक गुलाब जामुन मैंने अपनी बीवी के तरफ किया, तो वो मेरी तरफ देखने लगी कि क्या मतलब है। मैंने कहा कि ये मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिलाना चाहता हूं। कहने लगे वो हैरान। खैर, उसने वो गुलाब जामुन तो खा लिया
फिर उसके बाद थोड़ी देर वो सर झुका के बैठी रही, कुछ सोचती रही। फिर मुझे कहने लगी, आपने आज ऐसा क्यों किया है, पहले तो कभी नहीं किया। तो कहने लगा कि मैंने उसे कहा कि नबी हजरत ने मुझे बताया कि ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मैंने इस सुन्नत के ऊपर अमल किया है। कहने लगा, जब मैंने ये बात बताई उस मेरी बीवी की आंखों में से आंसू टपक पड़े और वो कहने लगी, अच्छा ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी, अच्छा क्या मैं भी और सुन्नतों पर अमल कर सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ कर सकती हो। तो कहने लगे, वहीं बैठे हुए मेरी बीवी ने वादा किया कि मैं आज के बाद नमाजें भी पढ़ूंगी और पर्दा भी करूंगी और शरीयत के ऊपर मुकम्मल पाबंदी करके सुन्नतों वाली जिंदगी मैं भी इख्तियार करूंगी। नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत ने पूरे घर के माहौल को बदल के रख दिया और वो बच्ची नेक बन गई और बाद में वो बच्ची आलिमा भी बन गई। तो घर के अंदर नेकी का माहौल रखना, नेकी की तलकीन करते रहना, ये खामिन की जिम्मेदारी होती है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।